नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल ब्रिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महिला किसी भी समाज के विकास का एक अग्रिम पंक्ति में आप बोल सकते हो कि एक पिलर होती है। महिलाओं ने समाज को बदला है, महिलाओं ने देश को बदला है, महिलाओं ने सोच को बदला है। और इस समय अगर लास्ट डिकेड से अगर हम देखें तो भारत की महिलाओं ने एज एन बिजनेस वुमेन, एज एन एंटरप्रेनर बहुत सारे स्किल्स को, बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ में मिस पद्मा मेनन, यहाँ पे मैम हमारे साथ में है, आज उनके साथ में बात करेंगे। सी इज एंटरप्रेनर, सी इज वर्किंग वुमेन, और उन्होंने स्पाइसेज के ऊपर, फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत डेप्थ में वर्कआउट किया है और उसके साथ में एक्सपोर्ट का पार्ट है। तो आज पद्मा मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की। आज ये टीम साइज लेके बैठे हैं अपने साथ में, जो यूरोप, मिडल ईस्ट, इधर पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। तो पद्मा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे। नमस्ते, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम है पद्मा मेनन और मैं सीईओ और फाउंडर हूँ कॉलकॉन्ट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की। मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ, आई एम अ मेडिकल रिसर्चर, बट साइड में मुझे इच्छा हुई कि मैं कुछ और भी चालू करूँ, तो फिर मैंने स्पाइसेस, जो इंडिया का ये ट्रेड है, तो वहाँ पे मैंने शुरू करने की सोची और मैं अभी उसमें अच्छे तरह से काम कर रही हूँ। मैम, आप नासिक से बिलोंग करते हो और नासिक जो है तो वो ऑनियन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनका हब है। तो जैसा मुझे पता है कि आप लोग उसमें भी ट्रेड करते हो, तो उसके बाद आप फ्रूट, मतलब एग्रीकल्चर में आप किन किन प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो? जी, मैं स्पाइसेस के सिवाय फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है, उसमें भी मैं काम करती हूँ। गुआवा है, गुआवा में भी हम लोग काम करते हैं, काफी अच्छे तरह से काम करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी काम करते हैं और एक्सपोर्ट लेवल पे भी काम करते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ वेजिटेबल्स भी है, वेजिटेबल्स मोस्टली जो अनियन है, जो नासिक का जो सबसे बड़ा ये बोलते हैं, नासिक अनियन के लिए हब है, तो अनियन के साथ में हम लोग ड्रमस्टिक है, ग्रीन चिलीज है, फिर टोमेटोज है, और नासिक में और भी बहुत काफी वेजिटेबल्स है, लेकिन हम ज्यादा करके ड्रमस्टिक, अनियन और टोमेटो एंड के साथ काम करते हैं। मैम, आप लोगों ने जैसा अभी आपके कुछ नए प्रोडक्ट, आप लोग जो एक्सपो मास्टर, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा एग्जीबिशन एक्सपो मास्टर 21, 28, 29 को नासिक महाराष्ट्र में एक्सपो है, पूरा एग्जीबिशन है बिजनेस सॉल्यूशन का, उसमें भी मैम पार्टिसिपेंट कर रही है। कॉलकॉन्ट एक्सिम ओपनसी प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है, वो पूरी टीम के साथ में आपको वहां पे मिलेगी। तो आप लोग अगर इन प्रोडक्ट्स रेंज के अंदर मैम के साथ में जुड़ना चाहो, फिजिकली अगर आप समझना चाहो सारी चीजों को, एक थर्ड पार्टी का, और ये सारे ऑप्शंस मैं आपको अभी बताऊंगा जो मैम अवेलेबल करवाएंगी अपनी कंपनी के थ्रू। तो मैम, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्पाइसेज के अंदर क्या यूएसपी है आप लोगों की, मतलब स्पाइसेज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास में भी काफी कुछ इसमें लाइनअप में रहता, तो आपके पास में यूएसपी प्रोडक्ट क्या है स्पाइसेज में? हमारा जो मेन है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के अलावा हम लोग रॉ स्पाइसेस में भी काम करते हैं काफी अच्छे लेवल पे। हमारे साथ साउथ इंडियन टीम हमारी जुड़ी हुई है, जो कि डायरेक्ट फार्मर से हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी और एनीथिंग। हम लोग डायरेक्टली फार्मर से मंगवाते हैं, फिर वो रेड चिली हो या फिर कोकोनट हो या फिर पेपर हो, ब्लैक पेपर हो या फिर इलायची हो, ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली फार्मर से मंगवाते हैं। तो उसके लिए हमें क्वालिटी, जो हमारे कंपनी का जो नाम है कॉलकॉन्ट, वो ही क्वालिटी प्लस क्वांटिटी है, तो हम लोग उसके हिसाब से ही हमारे प्रोडक्ट्स लाते हैं, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स है डोमेस्टिक लेवल पे भी एंड एक्सपोर्ट लेवल पे भी, जो ओवरसीज क्लाइंट है, वो भी खुश हो विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी। तो उस तरीके से हम लोग ज्यादा हमारा ये प्रोडक्ट रखते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, बोलने के लिए हम सभी लोग कहते हैं कि वी आर टुगेदर एंड वी वांट टू हेल्प टू अ फार्मर, बट एक फार्मर की हेल्प करने के लिए आपको फील्ड पे उतरना होगा। एक फार्मर की हेल्प के लिए आपके पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो फार्मर आपके साथ में कनेक्ट हो सके, एंड सी इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली फार्मर से ले रही है तो कहीं ना कहीं पे एक फार्मर का लेवल भी अपग्रेड किया जा रहा है।
तो मैं इस चीज के लिए सबसे पहले आप लोगों आपको और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करूंगा कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपोर्ट और बढ़ते चला जाएगा उस तरीके से आप लोगों का भी एक ग्रुप पार्ट जो है वो बनते चला जाएगा। तो मैम अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक पूरी प्रोडक्ट रेंज क्या है आप लोगों के पास में? हमारे पास अगर रॉ स्पाइसेस बोले तो हम लोगों के पास रेड रेड चिलीज जो कि गुंटूर की हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी सारे प्रोडक्ट्स हो गए, ब्लैक पेपर है, रेड चिली है, कार्डमम है और काफी अलग भी है, पर फिलहाल हम लोग इन तीन पे ज्यादा ये कर रहे हैं, पर और भी है हमारे पास फार्मर्स जो हमारे से ज्वाइन मिले हुए हैं। और इसके अलावा हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे स्पाइसेस वो भी काफी अच्छे लेवल के होते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं, हम लोग कोई जो आजकल के मशीनरीज वगैरह यूज करके नहीं, हम लोग ट्रेडिशनल वे पे फॉलो करते हैं, जो कि हम जो लेडीज होते हैं जो जो पहले के वे थे जैसे पत्थर पे घिसना और वो सब, हम लोग उसी लेवल का जो एक जो मशीन है हम लोग के पास है जो कि जो टेस्ट है वो एनहेंस करता है ट्रेडिशनल लेवल पे अगर हम काम करें। तो हमारे कुछ महाराष्ट्रियन प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि स्पेशलिटी है हमारी। उसके अलावा हमारा रेड चिली है पाउडर, रेड चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है और भी अलग प्रोडक्ट्स है जैसे सांभर मसाला है, छोले मसाला है, फिर क्या बोल और बहुत कुछ है, मतलब आप बोलोगे तो अराउंड 100 प्लस है, लेकिन हम लोग अभी सभी इसमें नहीं उतरे हैं बट हम लोग के पास वो रेडी है। दोस्तों जो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स में प्लस ट्रेडिशनल अप्रोचेबल प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का मतलब ही एक प्रीमियम लेवल का प्रोडक्ट हो जाता है, तो जो लोग इसमें काम करना चाहें वो जैसा मैंने कहा कि फिजिकली अगर आपको मिलना है इनके साथ में, मीटिंग करनी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, या चाहे आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप ये प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में जो आपकी एग्जिस्टिंग होगी उसमें अगर कनेक्ट करना चाहो तो आप 28-29 को नासिक महाराष्ट्र में विजिट कर सकते हो इस एक्सपो में, जहां पे मैम आपके साथ में जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मैम एक जो मैं सभी को पूछता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी चीज के लिए मैंने स्पाइसेज का जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारा सिस्टम, तब मैंने इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया था, तो वही चीज मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी बताएं कि थर्ड पार्टी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है क्या, क्योंकि थर्ड पार्टी में ये है कि हर इंसान बिजनेस करना चाहता है अपने ब्रांड में, तो क्या आपकी कंपनी थर्ड पार्टी कस्टमाइजेशन ब्रांडिंग इसका ऑप्शन अवेलेबल करवाती है? जी करवाती है, हम लोग उसमें काम करते हैं और आप लोगों को अगर हम सब ज्वाइन करना है तो हम लोग उसके लिए रेडी है। मतलब कोई बंदा सिर्फ अपनी कंपनी लेके आए, एक ब्रांड लेके आए, तो उसको अगर स्क्रैच टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाने की जो जर्नी है, क्या आपकी कंपनी उसके अंदर उसका हैंड एक तरीके से हैंड टू हैंड पोर्शन के ऊपर उसके साथ में वर्कआउट करती है? जी करती है। तो दोस्तों ये बड़ी बात होती है कि जो लोग ऑलरेडी इस पार्ट में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बिजनेस को डेवलप किया है, आगे बढ़ाया है, आप अगर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, आप अगर चाहते हो कि आपके साथ में एक ऐसी टीम वर्कआउट करे जिन्हें पहले से एक्सपीरियंस है, तो मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि मैम ने जो जो प्रोडक्ट्स अभी बताए हैं, जो कैटेगरीज बताई है, अगर उन प्रोडक्ट्स में आप काम करना चाहो तो आप क्वालकॉन टेक्सिम से डायरेक्टली जुड़ सकते हो और ये बहुत ही एक हेल्पफुल टीम के तौर पर आप लोगों के साथ में जुड़ेगी। मैम अभी हर बिजनेस के पीछे एक विजन होता है, तो डोमेस्टिक में तो आप लोग कर ही रहे थे, फिर आप लोग एक्सपोर्ट में आए और अभी आपने प्रोडक्ट रेंज को और बढ़ाया, आपने स्पाइसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह सब चीजें सेट की, आज उसको एक लैंडमार्क बना के एक्सपोर्ट तक का प्रोसेस पूरा हो रहा है, तो आपका विजन क्या है इस बिजनेस के पीछे? विजन यही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें है इंडिया जो ये है फेमस है कि हमारे ट्रेडिशन के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो ट्रेडिशनल हर देश में पहुंचे, हर हमारे जो टेस्ट है जो स्पेसिफिक टेस्ट है या फिर हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी, हमारे यहाँ पे इतने सारे फार्मर्स है जो कि इतने अच्छे अच्छे मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ये करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हर ग्लोब के हर एरिया में हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचे, हमारे देश के प्रोडक्ट्स पहुंचे और हमारे देश के हमारा कंपनी के साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने देश का नाम भी होगा, तो हम चाहते हैं कि सब जगह अपना देश एक अलग जगह पे पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं हमेशा भारत भाग्य विधाता की बात करता हूं कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो भारत को एक बार फिर से भाग्य विधाता बना सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब
वुमेन एंटरप्रेन्योर का लेवल इसमें बढ़ेगा तो इस भारत को भाग्य विधाता बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक महिला जब एक परिवार की विधाता बन सकती है, जब एक महिला एक अच्छे संस्कारों से एक परिवार का निर्माण कर सकती है, तो एक बिजनेस को डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज आप सभी लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग भी आगे बढ़िए अपने बिजनेस में, जहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत है, जहां पे आपको रेस्पॉन्स की जरूरत है, विजिट कीजिए एक्सपो मास्टर 21 को, 28-29 जैन को आपको नासिक महाराष्ट्र में आना है और मैम से आप मिल सकते हो। बाकी बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे बाकी जो महिलाएं हैं जो कुछ करने के लिए सोचती हैं, वुमेन एंटरप्रेनर हैं, जो खुद को रोकती हैं कि हमें समय नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे काम है, तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि ये एग्जाम्पल है उस चीज के लिए। सी इज ऑलरेडी वर्किंग वुमेन है, बट उसके साथ साथ में उन्होंने इतना बड़ा ये पूरा बिजनेस जो है वो सेटअप किया है, पूरी टीम डेवलप की है और आज एक प्रॉम्प्ट लेवल के ऊपर काम कर रही है। तो मैम एक लास्ट लाइन, जो लेडीज अगर आपको जो भी यहाँ पे देख रहे होंगे या फिर वो लोग वो पुरुष जो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पे इस लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर महिलाओं को उतना पता नहीं होता या वो बिजनेस डेवलप नहीं कर सकती, तो उस चीज के लिए अगर एक लास्ट लाइन आप कहना चाहें। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को बिजनेस का ये नहीं होता, क्योंकि जो घर में खाना बनाते हैं जितना क्वालिटी मतलब जितना क्वांटिटी उनको पता होती है, हम एक सब्जी में अगर एग्जांपल ले, एक सब्जी में कितना डालना है वो एक महिला अच्छी तरह से बता सकती है, और उनको हर मसाले, अभी हम महाराष्ट्र का ही एग्जांपल ले ले या फिर इंडिया का, सब मोस्ट ऑफ द मतलब लेडीज वो घर में ही अपने मसाले रेडी करती है, तो मतलब उन लोगों को हर आइडिया होती है कि कितना इसमें कितना ये डालना है, रेड चिली पाउडर कितनी होनी चाहिए, गरम मसाला कितना होना चाहिए, हर तरह का नॉलेज महिलाओं को होता है, तो महिलाओं ने जरूर करना चाहिए। मुझे खुद को एक छोटी बेटी है, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, बट मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के वजह से और मेरा खुद की इच्छा, तो हम लोग ने ये पॉसिबल हुआ है। हर महिला कर सकती है अगर सब लोग एक जुट से उसमें जुड़ जाए, तो हर महिला ये चीज कर सकती है मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं 8 घंटे के ऑफिस करके प्लस मेरी बच्ची छोटी है 5 साल की मेरी बेटी है उसको ये करके हमारा ये बिजनेस भी हम लोग चलाते हैं, तो पॉसिबल है, मेहनत मेहनत करने की जरूरत। एक जो पॉइंट आपने अभी बोला कि रियली आपके हस्बैंड को भी हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना एक वर्किंग पार्ट में इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं पे मानसिकता बदल रही है, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को सपोर्ट दे के आगे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि सबका ध्येय एक ही है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। तो मैम आपसे मिलते हैं 28-29 को एक्सपो के अंदर, मैं मेरी पूरी टीम मैम इनकी पूरी टीम वहां पे अवेलेबल रहेंगे एक्सपो के अंदर। आइए आप भी ज्यादा से ज्यादा और साक्षी बनिए इस एक्सपो का, जहां पे आपको आपके बिजनेस के लिए आपके स्टार्टअप के लिए सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड कमिंग, मिलते हैं आपसे एक्सपो मास्टर 21 के अंदर। एक लास्ट अगर आप लोगों से कहना चाहें, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं वहां पे उनके लिए एक मैसेज। जी आप जरूर आइए, हम लोग आपसे मिलेंगे, और ना कि जो हम लोग फार्मर्स को भी इनवाइट करेंगे, लेकिन जिसको हमारे साथ काम करना है, जिनको अपने प्रोडक्ट्स हमें देने हैं, जिनके जिनको अपने प्रोडक्ट्स बाहर लेके जाने हैं, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन हम इजीली अप्रोचेबल है, क्योंकि हमारे साथ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए वो फार्मर्स ही है, हम लोग किसी और थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं करते, हम लोग जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट फार्मर्स से ही लेते हैं। तो अगर किसी भी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स भी देने हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर या फ्रूट्स के, तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी हमको मिल सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपके साथ जरूर काम करेंगे और अब जरूर मिलेंगे एक्सपो में भी और एसिक्स के अलावा बाहर भी। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि एक वर्किंग वुमेन जो एक्सपोर्टर तक बन गई, एक वर्किंग वुमेन जिसने अपने टारगेट से अपने दृढ़ निश्चय से खुद को और अपने बिजनेस को बनाया, क्योंकि आपकी सोच ही ये तय करती है कि आप कहां तक जाएंगे, आपकी सोच ही ये तय करती है कि आपका विजन क्या है और उस विजन के पीछे आप कितनी मेहनत कर रहे हो। देश सबका है, लेकिन इस देश को बनाने के लिए आपको काम करना होगा, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, अपने नॉलेज प्रोसेस पे काम करना होगा, और नॉलेज ही वो चाबी है जो आपके साथ
सारे सपनों के ताले खोल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।